दोस्तों आज हम लोग सम्राट अशोक की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की तपोभूमि बिहार के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। बिहार जो कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है, वो जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का राजकीय पशु बैल है, राजकीय पेड़ पीपल है, राजकीय चिड़िया गोरैया है और राजकीय भाषा हिंदी है। इतना ही नहीं, बिहार मशरूम, लीची, मखाना, गुआवा और भिंडी उत्पादक के मामले में देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है। वही तंबाकू कंपोजिशन में भी इसका नंबर वन पोजीशन है। इतना ही नहीं, बिहार को ऐतिहासिक भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि हमेशा से ही विदेशी यात्रियों के लिए शिक्षा का केंद्र रहा है। वैसे दोस्तों, आपको बिहार के बारे में क्या चीज सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। और दोस्तों, पुतिन का देश रूस एक ऐसा देश है जिस पर भूलकर भी कोई दूसरा देश अटैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, रूस के पास एक ऐसा डेड हैंड सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी कि अगर कोई देश रूस पर परमाणु बम से हमला करता है, जिससे भले ही रूस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, चाहे वहाँ पर सारे के सारे लोग मारे जाए, लेकिन उसके बाद जो होगा वो भयानक होगा, क्योंकि फिर रूस का डेड हैंड सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, जिसमें उसकी 1600 परमाणु मिसाइल दुनिया के अलग अलग कोनों को निशाना बनाएगी और पूरी दुनिया खत्म कर देगी। और ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि साल 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा था कि मैं रशिया का प्रेसिडेंट हूं और मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है। इसीलिए अगर रशिया ही नहीं रहेगा तो फिर पूरी दुनिया भी नहीं बचेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस हालत में रशिया से कोई भी देश पंगा ले पाएगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। दोस्तों, ये किसको पता था कि फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रहा ये लड़का अपनी ही मौत का वीडियो बना रहा है। दोस्तों, नेपाल के पोखरा में हुए प्लेन क्रैश में 71 से ज्यादा मासूम लोगों की जाने चली गई, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे, क्योंकि प्लेन कुछ ही मिनटों में रनवे पर उतरने वाला था। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन क्रैश मौसम बिगड़ने की वजह से हुआ, लेकिन नेपाल के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया है कि ये दावे गलत है, क्योंकि प्लेन को रनवे पर उतरने की परमिशन मिल चुकी थी और मौसम भी पूरी तरह से साफ था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि प्लेन रनवे पर उतरने से 10 सेकंड पहले ही बुरी तरह से आग में झुलस गया। हालांकि दोस्तों, इस सवाल का जवाब प्लेन के ब्लैक बॉक्स के खुलते ही सामने आ जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से इस घटना की असली वजह क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।